हाय लवलीज़, आज मैं आपको एक बहुत बहुत स्पेशल एक्सपो में लेके जा रही हूँ जो कि मनीराम दीवान में हो रहा है और ये है दिव्य कला मेला। ये एक बहुत ही ख़ास मेला है क्योंकि यहाँ पे ना कुछ बहुत स्पेशल लोगों ने बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो कि है फॉर सेल। तो इस वीडियो को ज़रूर देखो जानने के लिए कि यहाँ पर क्या ऐसा अमेजिंग है और आपको यहाँ क्यों जाना चाहिए। ये एक्सपो 17th मई तक है और यहाँ पे डिस्प्लेड हर एक चीज़ स्पेशली एबल्ड लोगों ने बनाई है और इसमें से जो भी प्रॉफिट इनको मिलेगा वो उनकी वेलफेयर के लिए जाएगा। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के स्टॉल है और एंटर करते ही मुझे अरुणाचल प्रदेश का स्टॉल दिखा। यहाँ पे ट्रेडिशनल ज्वेलरीज, ट्रेडिशनल बैग्स और ट्रेडिशनल अटायर्स के बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन थी। प्राइसेस भी बेहतरीन थे और जैसे कि ये जो बैग आप देख रहे हो इसकी प्राइस थी 3000 रुपीज़ और जो जैकेट्स वहाँ लगे हुए थे उनकी प्राइस 3000 रुपीज़ से स्टार्ट हो रही थी। जो ज्वेलरी मैंने पसंद की थी बिग ईयरिंग उसकी प्राइस थी 250 रुपीज़। फिर मैं थोड़ा आगे गई तो मुझे दूसरा स्टॉल दिखा और ये था वेस्ट बंगाल का स्टॉल। इनके स्टॉल्स में मैंने मोस्टली कुर्ते देखे, लॉन्ग शॉर्ट जैसे भी आपको कुर्ती चाहिए आपको यहाँ मिल जाएंगे एंड ब्लाउजेस जो रेडीमेड ब्लाउजेस थी वो भी इनके पास थे और ट्रेडिशनल ज्वेलरीज यहाँ भी मैंने देखे। ये जितनी भी चीज़ें डिस्प्ले में आपको दिख रही है ये सारी की सारी हैंडमेड है। रेंज अलग अलग है तो अगर आपको एक्चुअल प्राइसेस जानना है तो आप ज़रूर इस मेले पर जाना। बाय द वे, आपको यहाँ पे सिर्फ कपड़े एंड ज्वेलरी ही नहीं बहुत और भी चीज़ें मिलेंगी घर के डेकोरेशन के लिए, खाने पीने की और सबसे मज़ेदार बात ऑर्गेनिक चीज़ें भी मिलेंगी। मैं तो मेरी मम्मी एंड दी के साथ यहाँ गई थी और हमने मिलके खूब सारी शॉपिंग की। एंड में ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या ख़रीदा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ इस एक्सपो में जाओ और एक्सपीरियंस करो यहाँ पे कि डिफरेंटली एबल लोग एक्चुअल में कितने टैलेंटेड होते हैं। और यहाँ अगर आप जाए तो प्लीज़ प्लीज़ कुछ ज़रूर ख़रीदना क्योंकि इस तरह से शायद आप अपने लिए एक गुड कर्मा क्रिएट करोगे। बाय द वे, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो मैं थोड़ा और आगे गई तो मुझे और एक स्टॉल दिखा जो कि हमारा होम स्टेट का था, असम का। यहाँ पे ट्रेडिशनल अटायर से लेके होम डेकोर से लेके बिहू पीठा सब आपको मिल जाएगा और जो मेखला चादर थे उनकी कलेक्शन भी बहुत बढ़िया थी। इन्होंने कॉटन, नूनी, प्योर पात हर टाइप के मेखला चादर रखे हुए थे और ट्रेडिशनल जैकेट्स जो गामोसा से बने हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में मुझे लगता है आजकल है। फिर मैंने थोड़ी इंक्वायरी की इनके प्राइसिंग के ऊपर। तो किमान के पड़े बा सारे से की है प्योर ए टू प्योर टॉस और प्योर नूनी नूनी और टॉस नो प्योर प्योर नो ए ए ग्रेइश टू ए टू ए टू ड्राई नहीं नहीं ए टू ए टू ए टू ए टू 6000 दिबो पड़े। अच्छा एने के साबो पड़े नेकी एक साइड ओ पिने हो एटू की मटेरियल है एरी कॉटन मटेरियल और प्राइस 6000 रुपीज़। इसके बाद हम थोड़ा और आगे गए और हम इस स्टॉल में आए और ये आए थे जोरहाट से और ये जो सुंदर सुंदर फूलों की लड़ी आप देख रहे हो ये हमारा ट्रेडिशनल फ्लावर जो कि है कोपो फूल वो है। ऑन द ब्यूटीफुल गाइस, बट इसके बाद जो भैया ने मुझे बताया उसने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। ये वहाँ में बहुत बिक्री होता है जो असम में कोई पूछने वाला नहीं है। तो गाइज़ अगर आप इस एक्सपो में जाते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर जाना और इनसे कुछ ज़रूर ख़रीदना, इनको बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके बाय बाय बाय।
तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के स्टॉल लगे हुए थे, तो हम पहुँच गए थे लखनऊ के फेमस चिकन के कुर्तों की स्टॉल। मेरी सिस्टर को कुर्ते पहनना बहुत पसंद है, तो वो यहाँ से कुछ ख़रीदना चाहती थी और हम यहाँ पहुँच गए। प्राइसेस 500 रुपीज़ से शुरू होते हैं। कॉटन, जॉर्जेट, इन दो मटेरियल्स में आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कुर्ते मिल जाएंगे, लेकिन ख़रीदते समय थोड़ा सा केयरफुल रहना, अच्छे से चेक करना, उसके बाद ही सामान खरीदना। फिर थोड़ा और आगे गए तो हमें ये स्टॉल दिखा। ये अहमदाबाद से आए थे, हैंडमेड चप्पल थे इनके पास, सुपर कॉम्फी, मेरी सिस्टर ने भी खरीदा। और इनकी यूएसपी थी ये कपल, हस्बैंड वाइफ। ओह हम दो हैं, लड़कियां इनके घर है। अच्छा, हाँ बड़ी लड़कियां हैं, भाजा है। दूसरी हो तो छूटा दे, तुम्हारी बॉडी है तो छूटा दे दो प्लीज। तो सिर्फ 300 रुपये में सुपर कॉम्फी चप्पलें आपको इस स्टॉल में मिल जाएंगी, और इन अंकल आंटी से भी आप बात करना, दे आर द स्वीटेस्ट। थोड़ा और आगे गए तो हमें ये परफ्यूम का स्टॉल दिखा, ये इंस्टाग्राम में भी है। और इनके जो परफ्यूम थे उनकी फ्रेग्रेंस मुझे और दीदी को तो बहुत पसंद आई। इनके पास पॉकेट साइज़ वाले भी है, तो आप पहले वो भी ख़रीद सकते हो। उसकी प्राइस 80 रुपीज़ की थी, उससे बड़ा वाला लोगे तो 300 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। और फिर थोड़ा और आगे गए तो और भी हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के स्टॉल दिखे, तो सबके इन्फॉर्मेशन मैंने लेने की कोशिश की, जितना से जितना हो सके मैंने सबकी इन्फॉर्मेशन ली। बट इसको एक्सपीरियंस करने के लिए तो आपको यहाँ जाना ही पड़ेगा। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस इज़ टिल 17th of May, मनीराम दीवान में हो रहा है। पार्किंग की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड स्पेशल बात यह है कि ये डिफरेंटली एबल लोगों ने बनाया है, ओके? तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो प्लीज़ ज़रूर यहाँ से कुछ ख़रीदना। और मैंने भी यहाँ से बहुत शॉपिंग की, मैंने और मेरी सिस्टर ने, हमने दो कुर्तियाँ ली, मैंने इस स्टॉल से कुर्ती ली। यहाँ पे 900 रुपीज़ में अच्छे अच्छे कुर्तियाँ थे, थोड़ा बार्गेन के बाद मुझे 900 में मिले। वैसे 1200 में आपको कश्मीरी कुर्तियाँ यूजुअली इतने ही प्राइस के होते हैं। मैं कश्मीर भी जब गई थी तो वहाँ पे भी मुझे इतने ही प्राइस के दिखे थे जितने भी कुर्तियाँ थे। तो मैंने जो यहाँ से खरीदा वो 900 रुपीज़ का था, बहुत ही सुंदर था। ये जेंटलमैन भी बहुत अच्छे थे। मेरी सिस्टर ने लखनऊ चिकन का कुर्ता ख़रीदा और मैंने कश्मीर का कुर्ता ख़रीदा। सो इट वॉज़ अ लवली एक्सपीरियंस गाइज, आई होप आप लोग वहाँ पे जाए। और प्लीज़ मुझे बताना कि आपको कैसा लगा वहाँ जाके। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट संडे। सो या, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।